खारे पानी के बीचों बीच यह मीठे पानी का स्रोत आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज आप जानने वाले हैं अरब सागर में स्थित एक रहस्यों से भरे अजेय किले के बारे में। इस किले को कई नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र के कोंकड़ में रायगढ़ जिले के मुरुद गांव के निकट होने के कारण इसे मुरुद जंजीरा किला कहा जाता है। इसके नाम का पिछला शब्द जंजीरा अरबी भाषा के जजीरा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है टापू। इसे आइलैंड फोर्ट भी कहा जाता है। इस किले को इतिहास में ब्रिटिश, पुर्तगाली, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, कान्होजी आंग्रे तथा अन्य कई मराठा शासकों ने जीतने का प्रयास किया, मगर सफलता नहीं मिली। यह किला कभी किसी दुश्मन द्वारा न जीते जाने के कारण एक और नाम से संबोधित किया जाता है, अजिंक्य किला, जिसका अर्थ है अजेय किला। समुद्र तल से 90 फीट की ऊंचाई पर 20 फीट जमीन के अंदर तथा 40 फीट जमीन के ऊपर बने इस किले के निर्माण में 22 नंबर की बारंबारता देखने को मिलती है। दरअसल बादशाह के पुत्र सिद्धि याकूब की 22 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी, तो बादशाह ने इस उद्देश्य से कि जब जब इस किले का जिक्र होगा साथ ही उसके पुत्र को भी याद किया जाएगा, इस किले को 22 एकड़ में बनवाया। इसमें 22 सुरक्षा चौकियां हैं जिन पर 22 तोपें रखवाई गईं। इस किले का निर्माण भी 22 वर्ष में हुआ। इस किले में 19 बुर्ज हैं, हर बुर्ज के बीच 90 फीट की दूरी है। कुछ इतिहासकारों ने यहां 500 से अधिक तोपें होने का भी दावा किया है। इनमें से यहां कलाल बांगड़ी, लांडा कासम और चावड़ी तोपें आज भी देखने को मिलती हैं। इस किले के बीचों बीच एक बड़ा सा परकोटा तथा दो सुंदर तालाब भी हैं, जिनमें से एक तालाब में मीठा पानी मिलता है। कहा जाता है कि जब निर्माण कार्य के समय पत्थर कम पड़ गया तो इसी चट्टान को तोड़कर पत्थर निकाला गया, वहीं पानी की झिरी लग गई और झील बन गई। लेकिन अरब सागर के खारे पानी के बीचों बीच यह मीठे पानी का स्रोत आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। मजबूत दीवारों से सुरक्षित इस किले में 3 दरवाजे हैं, जिनमें 2 मुख्य द्वार तथा 1 चोर दरवाजा है, जो आपातकालीन स्थिति में दुश्मन द्वारा किले पर कब्जा किए जाने पर सुरक्षित निकलने के उद्देश्य से बनवाया गया था। बाकी 2 मुख्य द्वारों में से एक राजापुरी गांव की तरफ तो दूसरा ठीक विपरीत में समुद्र की तरफ खुलता है। इसके दरवाजे दीवारों की आड़ में बने हैं, जो दूर से दिखाई नहीं पड़ते हैं। जितनी रोचक इसकी बनावट है, उतनी ही रोचक इसके निर्माण के पीछे की कहानी है। यह बात है 15वीं शताब्दी की। यहाँ स्थानीय मछुआरे समुद्री लुटेरों के हमलों से परेशान थे। उनसे सुरक्षा के लिए मछुआरों के सरदार राम पाटिल ने अहमदनगर के निजाम शाह से इजाजत लेकर यहाँ एक विशाल चट्टान पर लकड़ी का एक किला बनवाया, जिसे मेधेकोट किला कहा जाता था। इस किले के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर निजाम शाह को यह किला पसंद आ गया। उसने राम पाटिल से इसे खाली करने को कहा तो उसने मना कर दिया, जिसके बाद अहमदनगर के सेनापति पीरम खान 3 जहाजों में सैनिकों को व्यापारी के भेष में लेकर पहुंच गए तथा किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अहमदनगर के नए सेनापति बुर्रम खान ने उस लकड़ी के बने मेधेकोट किले को तुड़वा कर वहां पत्थरों से एक मजबूत किले का निर्माण करवाया। यह किला सिद्दकियों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। इस किले पर जजीरा के 20 सिद्दकी शासकों ने राज किया। अंतिम शासक मोहम्मद खान सिद्दकी थे। यह किला पंच पीर पंजातन शाह बांड्या बाबा के संरक्षण में है। इनका मकबरा भी यहाँ बना हुआ है। अरब सागर के खारे पानी से घिरे इस किले को देखने के लिए अक्सर सैलानियों का तांता लगा रहता है। इतिहास में बने कारीगरी के इस अद्भुत नमूने को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक सैलानियों के लिए खोला जाता है। अगर आप ऐसे ही ऐतिहासिक और दुर्गों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल इनक्रेडिबल इंडियन हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें तथा हमारे साथ जुड़े रहें।